हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अवैध खनन के खिलाफ वन विभाग की कार्यवाही, बजरी से भरी तीन व पत्थर से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त। आबू रोड अरबुदांचल में इन दिनों बड़े पैमाने पर वन क्षेत्र में अवैध खनन जारी है। खुलेआम बजरी व पत्थर का अवैध खनन किया जा रहा है। इसी के चलते आज वन विभाग की ओर से कार्यवाही को अंजाम दिया गया, जिसके चलते क्षेत्रीय वन अधिकारी हरचंद राम परमार के नेतृत्व में कार्यवाही की गई। बजरी से भरी तीन ट्रैक्टर ट्रॉली व अवैध पत्थर से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया गया। जब्त की गई चारों ट्रैक्टर ट्रॉलियों को हीरापुर वन चौकी में रखवाया गया। वन विभाग की कार्यवाही से अवैध खननकर्ताओं में हड़कंप मच गया। आनन फानन में अवैध खनन बंद कर दिया, ट्रैक्टरों को सुरक्षित स्थान पर रखवा दिया गया। अंचल में बड़े पैमाने पर चल रहे अवैध खनन पर वन विभाग की टीम की ओर से कार्यवाही की गई। क्षेत्रीय वन अधिकारी हरचंद राम परमार के नेतृत्व में फॉरेस्ट मान सिंह राव, वन रक्षक गोदू राम, रितु दवे, खेत सिंह, भरत सिंह के ओर से किवरली वन क्षेत्र में कार्यवाही को अंजाम दिया गया। बजरी से भरे तीन ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की गई। वहीं कुई सांगड़ा में अवैध पत्थर से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया गया। ट्रैक्टर चालक कुई सांगड़ा निवासी कांदी गरासिया को गिरफ्तार किया गया। चारों ट्रैक्टर ट्रॉली को हीरापुरा वन चौकी में रखवाया गया। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए आबू रोड के क्षेत्रीय वन अधिकारी हरचंद राम परमार, इन्होंने ये कहा, निर्देशानुसार हमने मतलब हमारे स्टाफ को साथ में लेकर के कुई सांगड़ा और केवरली वन क्षेत्र में गश्त के दौरान एक ट्रैक्टर पत्थर से भरा हुआ कुई सांगड़ा में मिला और तीन ट्रैक्टर बजरी से भरे हुए पकड़कर हमारे नाके पे खड़ा किया और इनकी कार्रवाई जारी है। बस क्या कोई आरोप? हमारा समस्त स्टाफ मेरे साथ ही था। कोई आरोपी गिरफ्तार इसमें? कुई सांगड़ा से और मतलब केवरली से। आगामी क्या कार्रवाई, जुर्माना वसूल किया जाएगा, किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? कार्रवाई जारी है, अभी वन विभाग के हमारे फॉरेस्ट में नियम में आएगी जो वो की कार्रवाई अभी जारी है। जागरूक टीवी के आबू रोड से मनोज चौरसिया की रिपोर्ट।